कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। सो गैस, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम ग्लू वॉल्स की बात करेंगे, जो कि फ्री फायर में बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और हमने अपने सब्सक्राइबर का अकाउंट लिया है क्योंकि उसके पास कस्टम्स बहुत हैं। तो आज हम कस्टम्स पे दिखाएंगे आपको कैसे खेलना है, आपको कैसे आपको ग्लू लगानी है, आप ग्लू वॉल में एक्सपर्ट कैसे हो जाएंगे। बस मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपको दूंगा जिसको आपको फॉलो करना है। दो चार दिन आपको ट्रेनिंग ग्राउंड में प्रैक्टिस करते रहना है, उसके बाद आप पक्का ही बहुत ही अच्छी ग्लू वॉल्स लगाने लगेंगे। ट्रेनिंग ग्राउंड में ग्लू वॉल्स आ चुकी हैं, किसी को पता ना हो तो बता दूँ। तो अब देखता हूँ मैं आपको, पहले तो चीज़ तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हुए मैं आपको बता देता हूँ उसके लिए सेंसिटिविटी क्या चाहिए और कस्टम एच्यूरी में उसकी साइज़ कितनी होनी चाहिए। तो हम चलते हैं अपनी सेंसिटिविटी और कस्टम एच्यूरी। तो आप देख सकते हैं मेरी सेंसिटिविटी कुछ ऐसी है। अगर आपको भी मेरी तरह करनी है तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आपको अपने हिसाब से कुछ करना है तो कर लीजिए, बट जनरल 100 ही रखिए, क्योंकि मैंने इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने बताया था, इससे आपका मोशन काफ़ी तेज़ हो जाता है। एक बार में आप पूरा रोल हो जाते हैं, मतलब पूरा घूम जाते हैं। तो अब हम देखते हैं अपनी कस्टम एच्यूरी। कस्टम एच्यूरी मेरा ग्लू वॉल का साइज़ आप देख सकते हैं 100% है, बिकॉज ये कोई भी प्लेस व्लेस, मतलब कोई भी जगह नहीं रहता। आप इसको कहीं भी फिट कर देंगे ना सही रहेगा। अगर 100% होगा तो आपको बस इतना है कि आपको फ़ोन के नीचे टैप करना है यहाँ पे, तो आपको हाथ में पक्का ही ग्लू आनी है। और ये है, और कुछ कुछ बंदे होते हैं जो लेफ़्ट फायर बटन को हरदम इनेबल रखते हैं, ये भी फ़ायदेमंद है। आप चाहे तो इसको यहाँ पे रख दें, उसके बाद ग्लू यहाँ पे टैप करें, उसके बाद यहाँ पे लेफ़्ट वाले बटन से क्लिक करके ग्लू लगा सकते हैं। ये तो बात होगी ग्लू लगाने की और कस्टम एच्यूरी की, इसकी साइज़ क्या होनी चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि उसको क्यों ग्लू परफेक्ट तरीके से कैसे लगानी है। तो मैं आपको एक बार गेम में जाके दिखा देता हूँ कि ग्लू वॉल लगाने में आप एक्सपर्ट कैसे होंगे। तो अब बस देखते हैं आगे। सो गैस, हम गेम में आ चुके हैं, हम कस्टम खेल रहे हैं और हमारे सामने सत्यम भाई हैं जो कि काफ़ी अच्छा खेलते हैं। आज हमारा उनका आमने सामना होगा, फाइट होगी। हम भी जीत सकते हैं, वो भी जीत सकते हैं, क्योंकि वो भी ग्लू वॉल में एक्सपर्ट हैं काफ़ी। तो देखेंगे कौन जीतेगा। जीतने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आपको दिखाना है कि आपको ग्लू वॉल्स कैसे लगानी है। आप मेरा पूरा देख लीजिए, मेरा हर चीज़ कहाँ पर सेट है। मैंने थोड़ा सा इसको नीचे ज़रूर किया है, बट होता है ऐसा कभी कभी, आपको समझाते हो। तो अब सत्यम भाई मेरे सामने आ चुके हैं। अब देखो, मैंने हम दोनों ग्लू लगाएंगे साथ में। अब एक सेकंड, हाँ आ जाओ। और यहाँ पे सत्यम भाई ने, तो आपको एक फायर करना है, तुरंत ग्लू लगानी है क्योंकि सामने वाले को मौका ना मिले। अरे मेरी पिंग हाई चली गई सत्यम एकदम। तो ये देखो सत्यम भाई ने क्या ग्लू लगाई है। अरे तो सत्यम भाई ने मुझे मार दिया। मैं एक बार आपको और दिखा देता हूँ कैसे ग्लू लगानी है। एक बार सत्यम ने मारा है, ताकि हम रिवेंज ले पाएंगे उनसे, देखते हैं। ऐसे भी मैंने उन्हें एक राउंड में हार चुका हूँ मैं, फिर भी एक राउंड और देख लेते हैं। एक बार मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ, जैसे सामने आपके बंदा है, आपको एक फायर मारना है, तुरंत ग्लू, फिर ग्लू, फिर आपको ऐसे आना है, ऐसे निकालना है गन, उसके बाद फायर, फिर ग्लू। मतलब आपको ऐसे प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपके पास कस्टम ना हो तो आप किसी फ्रेंड से या किसी के साथ खेल लीजिए। कस्टम खेलने से काफ़ी ग्लू वॉल की प्रैक्टिस हो जाती है, इससे हम लोग भी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी मैं भी उतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट जैसे हो जाऊँगा तुरंत मुझे हराने वाला कोई होगा नहीं। हो भाई ग्लू लगा ली इसने, एक तो मेरा थोड़ा सा लैक हो रहा है, अभी मुँह पे जाऊँगा खतरा है। लेकिन तो भाई सत्यम भाई ने क्या ग्लू लगाई, ओ भाई भगा। एक तो मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं जाता ना, इसी वजह से उसको पता रहता है मेरी पोजीशन कहाँ पे है। तो और यहाँ पे खत्म कर दिया, यहाँ पे सत्यम भाई से मैंने बदला ले लिया। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए आपको बस करना है क्या, चैनल को सब्सक्राइब करे रखना है। और मैं रोज़ रोज़ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स डाला करूँगा। सो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सो गाइस, वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।